क्या कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बीफॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने का जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब साहब का साहब का मेरा दोस्त मेरा बीफॉर्म मेरा पार्टी के बीफॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है, नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं इधर बिठाऊंगा, इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहां पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे। वी हैड लॉट ऑफ लाइटर मोमेंट्स एंड ऑल द हाउस वाज इनटू लाफ्टर सर, बट आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट आई एम हैप्पी इन माय पार्टी। अकबरुद्दीन ओवैसी मरे दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुसलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। सब मिलाए तो 78 किलोमीटर फेज टू, ये 78 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ केंद्रीय सरकार को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दे चुके हैं, अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे हैं, उसमें हमारा दोस्त का एक ही शक है कि कौन बनाने वाले, पैसे कहां से आएंगे सर, इसीलिए जॉइंट वेंचर जेवी मॉडल बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज पॉइंट नंबर वन, द एजेंसी इज गोइंग टू टेक अप दिस वर्क, जॉइंट वेंचर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एज वेल स्टेट गवर्नमेंट, उसमें 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, 35% स्टेट ऑफ तेलंगाना के शेयर है और 45% लोन आउट ऑफ FRBM, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बार ये मान लिए तो FRBM के अंदर ये लोन नहीं आएंगे, और 5% PPP मॉडल, ये 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं अकबर साहब, इसमें हम पक्का प्लानिंग किए, अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रयान गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा मैं वादा कर रहा हूं। अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो, आपके चंद्रयान गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रयान गुट्टा में कांग्रेस ओबीसी को आपको ज्यादा प्यार है, ओबीसी के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्रास कम्युनिटी को चंद्रयान गुट्टा से, मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रयान गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, तो इसीलिए मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू, भाई भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बीफॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने का जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब साहब का साहब का मेरा दोस्त मेरा बीफॉर्म मेरा पार्टी के बीफॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है, नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं इधर बिठाऊंगा, इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहां पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे, हमको कोई एतराज नहीं है, इसीलिए ये जो गावलीगुड़ा से फलकनामा फलकनामा से चंद्रयान गुट्टा तक 2675 करोड़ से मेट्रो बनने वाले, हम लोग जल्दी से ऑलरेडी लैंड एक्वेशन काम शुरू हो गए, पैसे भी दिए, साहब को अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन सारा अकबर साहब को मैं दूंगा, लैंड एक्वेशन का काम शुरू हो गए, 2675 करोड़ से गावलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा फलकनामा से लेकर चंद्रयान गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर का जो मेट्रो बनाना है मेरे जिम्मेदारी है, बीइंग एन MAUD एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना मैं उनको वादा कर रहा हूँ आपके सामने मैं मेट्रो रेल बना के दिखाऊंगा, धन्यवाद सर। अकबर सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, फॉर अ चेंज वी हैड लॉट ऑफ लाइटर मोमेंट्स एंड ऑल द हाउस वाज इनटू लाफ्टर सर, बट आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट आई एम हैप्पी इन माई पार्टी। अकबरुद्दीन ओवैसी मरे दम तक
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुसलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। और रहा सवाल, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा कोडंगल के बारे में, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हुआ आपकी नज़र पे लाता हुआ जाऊंगा। सर, आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट इलेक्शंस, द वोट्स विच वे सीक्ड इन द असेंबली इलेक्शंस एंड देन आफ्टर द पार्लियामेंट इलेक्शन। सर इन दैट, सर, द कांग्रेस मेंटेन अ लीड इन 64 सीट्स इन आफ्टर द पार्लियामेंट इलेक्शंस, बट इन 15 सीट्स वेयर कांग्रेस हैड वन इन द असेंबली, द बीजेपी गेन्ड इन द लोकसभा इलेक्शन। सर सर सिमिलरली आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल अबाउट कोडंगल constancy. The Chief Minister Revanth Reddy Sahab then had contested there, sir. The BJP had scored only 3,988 votes. When Revanth Reddy Sahab was contesting on Congress ticket as a Congress candidate, sir. But in the parliament election, sir, the BJP candidate who secured only 3,988 votes, the BJP candidate in parliament secured 62,560 votes. And नहीं नहीं मैं बोलता हूँ और सर और एक बात कहता हूँ सर ना नहीं नहीं I'll tell wait sir where So this is why I think the Congress has faced a defeat in the parliament. Now if we have to see Sri Salla. Sir, in Sri Salla, K.T. Ramarao was successful. The BJP received 72,559 votes in Lok Sabha elections, sir, gaining the lead while it had secured only 18,328 votes in assembly, sir. Sahi aapki baat. Main wo bhi bata raha hoon. Lekin, sir, I would like to come on record and say that, sir, you might be happy and celebrating with 8. I am your true friend. It is not a happy moment, sir. We need to look into the reasons as to why the Congress couldn't get more than 8 seats. It's very important. Because I would say that I was expecting at least 12 to 15 सीट्स। तो हमको ये देखना है कि हम कहां कमजोर हुए, क्यों कमजोर हुए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आई डोंट वांट टू कम टू कोडंगल सर। सर गोइंग फर्दर अहेड सर।